फ्राइडे फेबल्स में गीतांजलि की तरफ से सबको हेलो और फ्राइडे फेबल्स के बारे में जितना मैंने देखा मैंने सुना मुझे बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगा है और आजकल के टाइम में जब लॉकडाउन इतना हो चुका है और आप कहीं जा नहीं सकते दिस इज़ द बेस्ट वे जिसमें आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और कहानियाँ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसलिए कहीं ना कहीं से हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो भी हम सोचते हैं जैसा भी हमारे साथ होता है तो कहानियां हैं जो हमें एक दूसरे के बहुत करीब ला देती हैं लिटरेचर है जिसके बारे में जब हम बात करते हैं लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उसमें अपने एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं अपने बारे में बात करते हैं बताते हैं कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में या क्या हमने ऐसा देखा महसूस किया जो कहीं ना कहीं से दूसरे पर्सन की लाइफ में भी एग्जैक्टली तो सेम नहीं होता लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर निकल आता है शायद यही कारण है कि चाहे जिस मर्जी दुनिया के किसी कोने की भी आप कहानी कोई पढ़ें कहीं ना कहीं से कुछ कनेक्शन आ जाता है मुझे याद है बचपन में जब मैं कहानियाँ पढ़ा करती थी तो मुझे एंटन चेकअप बहुत पसंद था टोलस्ट्रा की कहानियाँ बहुत पसंद थीं और उसके अलावा अपने हिंदी ऑथर्स में बहुत पढ़ा करती थी प्रेमचंद की कहानियाँ काफ़ी अच्छी लगा करती थी थीं सानी है इसमत चुगताई है तो ये सब कहीं ना कहीं से हम सबको आपस में जोड़े रखती हैं चाहे हमारा रंग कुछ भी हो चाहे हमारा धर्म कुछ भी हो हमारी जाति कुछ भी हो हम अमीर हों या गरीब हों एक चीज़ जो हम सब में कॉमन है वो ये है कि हम एहसास रखते हैं कहीं ना कहीं से हम लोग महसूस करते हैं चीज़ों को और देखते हैं किस तरह से हमारे साथ वो कनेक्ट होती हैं और ये कहानियाँ जो हैं उसी का एक रूपांतरण कह सकते हैं उसी का एक मिरर इमेज कह सकते हैं जो हम लिटरेचर को कहते हैं कि सोसाइटी का ही एक मिरर इमेज है तो कहीं ना कहीं से वो जो है कहानियाँ हमें जोड़े रखती हैं और एक दूसरे के बारे में एक्सपीरियंसिस भी बताते हैं तो मैंने पहले सोचा था कि एज अ पर्सन जो यहाँ यूएस में सात साल पहले मैं यहाँ आई थी और मैं यहाँ पे एक सोशल वर्कर के तौर पे काम करती हूँ और प्रोग्राम डेवलपर हूँ जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर uh, वाली प्रोग्राम डेवलपर नहीं क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड विद कंप्यूटर्स बट मैं प्रोग्राम्स डेवलप करती हूँ वेमेन के लिए डोमेस्टिक uh, वायलेंस जो है उसको कम करने के लिए हम क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में कम्युनिटी में डोमेस्टिक वायलेंस जो है जो औरतों पर इतना अत्याचार किया जाता है जस्ट बिकॉज दे आर विमेन तो उसके बारे में क्या किया जा सकता है तो uh, मैं यहाँ मैंने में हूँ और आप लोगों ने कुछ टाइम पहले सुना ही होगा अभी यहाँ बहुत सारे दंगे हुए थे एक हफ्ता पहले बहुत ज़्यादा शोर मचा है और ऐसा शोर मचा है जो पूरे दुनिया में फैल चुका है अब जो राइट्स हैं और जो प्रोटेस्ट हैं वो सिर्फ मेकलिस में या यूएस में नहीं है यूएस से आगे बढ़ कर के लंदन और पेरिस तक पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा एक मुश्किल टाइम चल रहा है लॉकडाउन ऑलरेडी है बीमारी चल रही है कोरोना वायरस की उसके अलावा जब आप ये देखते हैं कि एक इंसान की जिंदगी की कीमत इसलिए नहीं है क्योंकि उसका रंग काला है तो कहीं ना कहीं से जो इतना दबा हुआ आक्रोश है इतनी परेशानी है वो बाहर निकल आती है और यही एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न रहा है कि मैंने ये कहानी चुनी क्योंकि कुछ वक्त पहले इंडिया में भी यही सब हालात चल रहे थे और धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ चल रही थी हालांकि पार्टीशन हुए बहुत साल हो चुके हैं पचास साल से ऊपर हो चुके हैं मैंने अपने दादा जी से दादी जी से कहानियाँ सुनी थी कि कैसे वो लोग पाकिस्तान जब बना है कैसे वो लोग वहाँ से भाग करके यहाँ इंडिया में आए हैं और किस तरह के हालात रहे तो सिर्फ ये वो कहानियाँ नहीं हैं वो एक्सपीरियंसिस हैं और अब मुझे लगता है कि हम दोबारा उसी चीज़ को जी रहे हैं इतने सालों में हमने कुछ नहीं सीखा है इतने सालों में हमने ये नहीं सीखा कि धर्म या जाति या रंग कुछ मायने नहीं रखता है इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है तो यही कारण था कि जब मैंने ये कहानी चुनी मुझे लगा कि जो आजकल के हालात हैं चाहे वो इंडिया में हैं चाहे इस वक्त मनीस में हैं चाहे वो इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है तो बेसिकली प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं है कि काला इंसान मारा गया प्रोटेस्ट इसलिए है कि इंसान की कीमत एक इंसान के तौर पर नहीं है और ये नहीं देखा जा रहा कि इंसान क्या कर सकता है तो ये कहानियाँ कहीं ना कहीं से जो हैं हमारे अंदर की उस चेतना को जगाने में बहुत मदद करती हैं ये कहीं ना कहीं हमें याद दिलाने की कोशिश करती हैं कि हम इंसान पहले हैं और बाकी चीज़ें बाद में आ जाती हैं इसलिए आज फिर मैंने कहानी चुनी जो है वो भीषम सानी की कहानी है सरदारनी और इससे पहले कि मैं वो कहानी शुरू करूँ मुझे लगता है कि मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी पोइट्री पढ़ना मुझे बहुत पसंद है किसी भी फॉर्म में हो इंग्लिश पोइट्री भी पढ़ती हूँ और उर्दू और हिंदी पोइट्री भी पढ़ती हूँ तो एक रिसेंटली एक पोम जो मेरे सामने आई वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है इससे तो गुलजार की पोइट्री है आप सब ने उनको काफ़ी सुना है जगजीत सिंह ने काफ़ी उनको पॉपुलर भी किया है या गुलजार ने जगजीत सिंह को पॉपुलर किया है एक दूसरे को तो काफ़ी अच्छी पोइट्री है उनकी और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं पता चलती हैं तो उसमें मैं देख रही थी कि कितना तरीके से उन्होंने धर्म के बारे में एक कपलेट है उनकी तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी तो वो कप्लेट है बच्चे झगड़ रहे थे मोहल्ले के बच्चे झगड़ रहे थे मोहल्ले के ना जाने किस बात पर सुकून इस बात का था ना मंदिर का जिक्र था ना मस्जिद का तो देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने बात की है कि क्यों ना हम उन बच्चों जैसे हो जाएं जो लड़ते तो हैं आपस में लेकिन धर्म के नाम पे नहीं लड़ते लड़ने के लिए बहुत चीजें हैं दुनिया में लड़ने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अगर लड़ना है तो अपने अंदर की बुराई से लड़ना है लड़ना है तो इस गरीबी से लड़ना है जो लोगों को इंसान की तरह जीने नहीं देती लड़ना है तो नेगेटिव चीजों से लड़ना है जिंदगी के आसपास ना कि एक दूसरे के साथ तो चलिए इसी थाट के साथ हम कहानी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी ये भीष्म सानी की लिखी हुई है और भीष्मानी काफ़ी ज़्यादा उनकी जो एक नावल है तमस 1974 में वो आई थी और उसके ऊपर मूवी भी बनी गोविंद दहलानी ने बनाई है और काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवी रही है वो तो पार्टीशन के ऊपर भीष्म सानी काफ़ी ज़्यादा लिखते रहे हैं और ये परीक्षित सहनी के चचा लगते हैं ही इज रिलेटेड टू हिम और बलराज साहनी के छोटे भाई थे ये तो इन्होंने काफी अच्छा जब बलराज साहनी भी जो है वो भी लिखा भी करते थे एक्टर भी थे लेकिन भीष्म साहनी काफी ज्यादा उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं उन्होंने नाटक लिखे हैं जो काफी ज्यादा पार्टीशन पे बेस्ड उन्होंने वर्क किया है तो शायद उसका इम्पेक्ट इतना ज्यादा उनके ऊपर रहा है कि सेंसिटिव इंसान जो होता है जब कभी पार्टीशन वैसे कोई भी निकला हो एक छोटा लड़ाई अगर आप देख लेते हैं छोटी लड़ाई या दंगा देख लेते हैं वो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाते हैं तो सोचिए इन लोगों ने कितने महीनों ये लड़ाइयाँ ये झगड़े ये सब कुछ देखा होगा और कैसे देखा होगा कि इंसान कैसे हैवान बन गया है और किस तरह से वो इंसान बदल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा पोट्रियल जो है आपको उनकी किताबों में उनके वर्क में दिखाई देता है तमज जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चला कि उसको फिर अवार्ड्स भी मिले हैं काफ़ी ज़्यादा और भीषम सानी जो है उनको पद्म भूषण दिया गया था 1998 में और वो साहित्य अकेडमी के फेलोशिप भी उनके पास थी 2002 तक तो मुझे लगा कि आजकल के हालात देखते हुए चाहे वो मनियाफलिस है चाहे वो हिंदुस्तान है इस वक्त पे इंडिया है जहाँ लड़ाई हो रही है या हो चुकी है या काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं लोग इस वक्त पे धर्म के नाम पर तो मुझे लगा क्यों ना ऐसी कहानी एक शेयर की जाए जो हमें बताए कि धर्म से सब पर भी कुछ एक चीज है इंसानियत जिसे कहा जाता है तो देखिए इस कहानी में क्या होता है और कैसे होता है तो कहानी का नाम है सरदारनी और यह साहनी की लिखी हुई है स्कूल सहसा बंद कर दिया गया था और मास्टर करम दिन छाता उठाए घर की ओर जा रहा था पिछले कुछ दिनों से शहर में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी थी किसी ने मास्टर करमदीन से कहा था कि शहर के बाहर राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी पहुंच गई है कि अभी बार रामनवमी के जुलूस में झांकी वाली गाड़ी में ही बर्शे और तलवारें भरी रहेंगी कि कस्बे में बिना लाइसेंस के 40 पिस्तौल पहुंच गए हैं और हिंदुओं के मोहल्ले में मोर्चे बंदियां तेजी से खड़ी की जा रही हैं कि पांच पांच घरों के पीछे एक एक बंदूक का इंतजाम किया गया है उधर हिंदुओं के मोहल्ले में यह बात तेजी से फैल रही थी कि जामा मस्जिद में लाठियों के ढेर लग गए हैं और धड़ाधड़ असला इकट्ठा किया जा रहा है कि दो दिन पहले नदी के पार से एक पीर आया था और रात को वकील के घर में साजिशें पकाई जा रही हैं इन खबरों को भला कौन झुटला सकता था देखते ही देखते शहर में तनाव बढ़ने लगा था मुसलमानों ने हिंदुओं के मोहल्ले में जाना छोड़ दिया और हिंदुओं सिखों ने मुसलमानों के मोहल्ले में कोई वाला या छाबड़ी वाला फेरी पर निकलता तो दिन डूबने से पहले घर लौट आता शाम पड़ते ना पढ़ते ही गलिया और सड़कें सुनसान पड़ने लगी एक दूसरे से फुसफुसाते दो, दो चार चार लोगों की मंडलियां किसी सड़क के किनारे या गली के मुहाने पर खड़ी नजर आने लगी थी तनाव और दहशत यहां तक फैली कि कहीं कोई तांगा या छकड़ा भी तेजी से भागता नजर आता तो लोगों के कान खड़े हो जाते और दुकानदार अपनी दुकानों के पल्ले गिराने लगते झरोखों से अध दरवाजों के पीछे घूरती आंखें तैनात हो जाती यह ऐसा वक्त था कि अगर किसी घर के चूल्हे से चिंगारी भी उड़ती तो सारा शहर आग की लपेट में आ सकता था ऐसा माहौल बन गया था जब आदमी ना तो घर पर बैठ सकता था ना बाहर खुले बंदों घूम सकता था वह केवल अफवाह सुन सुनकर परेशान हो सकता था इसे बढ़ते तनाव को देखकर स्कूल वक्त से पहले बंद कर दिया गया था बच्चों को दोपहर से पहले ही अपने अपने घर भेज दिया गया था और मास्टर कर्म दिन छाता उठाए अपने घर की ओर जा रहा था स्कूल का मास्टर यूं भी स्वभाव दबू सा प्राणी होता है अपने काम से मतलब रखने वाला ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर बस किताबें और अखबार बांचने और फलसफे पघारने वाला इसमें शक नहीं कि कभी कभी अंधविश्वासी आग उगलने वाले भी इन्हीं में से निकलते हैं पर आमतौर पर स्कूल का अध्यापक बड़ा शील स्वभाव और गरीब तबह आदमी होता है जो हर किसी की बात सुन भी लेता है और विश्वास भी कर लेता है मोहल्ले में दाखिल हुए तो मास्टर जी के कान खड़े हो गए स्कूल में तरह तरह की अफवाहें सुनते रहे थे और जो वारदातें होती हैं है, वह अंधेरी गलियों में ही होती हैं। भले ही है मास्टर जी का आगे पीछे कोई न ना था ना रन, ना कान, ना पत्नी, ना परिवार फिर भी जान तो जान है कट कट मरने से सभी को डर लगता है मास्टर जी चले जा रहे थे और हर आहर पर ठिठक ठिठक जाते थे कहीं कोई पीछे छुरा उठाए तो नहीं आ रहा किसी दरवाजे के पीछे कोई घात लगाए बैठा तो नहीं हर दरवाजे के पीछे उन्हें डोलते साए और घूरती आंखें नजर आ रही थी मन में खौफ तो था ही सबसे ज्यादा खौफ इस कारण था कि हिंदू और सिखों के गले में वही अकेले मुसलमान रहते थे वर्षों की दुआ सलाम तो हमसायों के साथ थी पर किसी के साथ उठना बैठना आना जाना नहीं था अकेला आदमी किसी परिवार वाले के साथ कैसे हिल मिल सकता है यहाँ किसी ने पीठ में झूड़ा भोंग दिया तो पता भी नहीं चलेगा कि मास्टर कभी था भी या नहीं था वह घर के अंदर जाने लगे तो पड़ोस वाले घर के बाहर बैठी सरदारनी पर उनकी नजर पड़ी उन्हें लगा जैसे पड़ोसी सरदारनी उनकी ओर अजीब सी नजर से देख रही है यह मन का गुमान रहा हो या सचमुच ऐसा ही था उनका मन हुआ कि झट से अपनी कोठरी के अंदर घुस जाए एक बार मन में यह भी आया कि रोज की तरह आदाब अर्ज कर दे पर अकेली बैठी औरत से दुआ सलाम करने का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है और फिर आज के दिन वह अपनी कोठरी का ताला खोल ही रहे थे कि पीछे से आवाज आई सलाम मास्टर सरदानी की आवाज थी और सुनते ही मास्टर के मन का तनाव कुछ कुछ ढीला पड़ गया सरदानी बड़ी हसमुख पंजाबियन थी अनपढ़ मुंहफट सारा वक्त बतियाने वाली चौड़ी हड्डी की काया बाल उलझे रहते छातियां उघड़ी रहती घर के बाहर ही कपड़े धोती घर के बाहर ही चौका करती और पौ फटने से पहले कई बार गली के नल पर ही नहाने भी बैठ जाती थी मास्टर इसे खम भी खाता था पर इसे पसंद भी करता था इसके पास से गुजरते हुए ही उसे झीप होने लगती थी न सरदारनी को पल्ले दुपट्टे का ध्यान रहता न इस बात की परवाह कि कौन सुन रहा है कौन देख रहा है दिन भर बतियाती थी मास्टर अपने कमरे में कमरे में बैठा किताब तक नहीं पढ़ सकता था उसकी आवाज सुनकर मास्टर करमदीन दिन के मन का तनाव कुछ ढीला पड़ा और यह औरत इतनी निश्चिंत हो सकती है तो शहर में कोई तनाव नहीं होगा सब मन गड़न अफवाहें होंगी आराम से बैठी घर के बाहर बर्तन मल रही है और फिर मोहल्ला भी तो हिंदुओं सिखों का है इसे क्यों किसी बात की चिंता होने लगी मास्टर क्या शहर में रौला है मास्टर करम ने ठिठक गया वहीं खड़े खड़े बोला हाँ रौला है तालाब के पास किसी की लाश मिलने की बात सुनने में आई है शहर में तनाव पाया जाता है इस पर सरदार ने हंस पड़ी इसीलिए दुबक कर घर में घुस रहा है फिक्र नहीं करो मास्टर हमारे रहते तुम्हारा कोई बाल बिबांखा नहीं करेगा फिर हंसकर बोली अच्छा किया जो शादी ब्याह नहीं किया अकेली जान पर ही तेरा दम सूख रहा है घर में बीवी बच्चे होते तो ते तो तेरा तो हार्ट ही फेल हो जाता और फिर खुद ही ठाका मारकर हंसने लगी मास्टर को अच्छा लगा। दिन भर जो बातें सुनता रहा उनसे ये मुख्तलिफ थी उसकी आवाज में दहशत नहीं थी खौफ डर नहीं था खुश दिली थी और एक तरह का हम जिसकी कोई पहचान नहीं परिभाषा नहीं पर जो दिलों को बांध लेता है उसे सचमुच लगा जैसे इस औरत के रहते उसे किसी बात का डर नहीं है मैं सोचता हूं मैं इस मोहल्ले से चला जाऊं मुसलमानों के मोहल्ले में जा रहा हूं क्यों हमारे मुख का, कालक पोत कर जाएगा अब कही है फिर यह बात दोबारा मुंह पर ना लाना मास्टर को यह भी अच्छा लगा इसमें अपनापन था उसकी डांड भरी तिरस्कार आवाज में भी आत्मतीयता थी फिर साथ भड़क उठा तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा अभी से निकल जाऊं आराम से बैठा रह फिर विसाद कुछ नहीं होगा अगर हुआ तो मैं सरदार जी से कहूंगी तो मैं मुसलमानों के मोहल्ले में छोड़ आएंगे मास्टर के मन का डर जाता रहा पर केवल कुछ देर के लिए ही अपने कमरे के अंदर जाने की देर थी कि फिर से पहल से उधेड़मुज शुरू हो गई

उस रात वह हाँ अभी बिस्तर पर करवटे ही बदल रहा था कि दंगे की आवाजें आने लगी गहरे अंधेरे को चीर चीर कर आती हुई नारों की आवाज हर हर महादेव और दूर बहुत दूर शायद मस्जिद शरीफ के पास अल्लाह अकबर की आवाजें और भागते कदमों की और छत पर खड़े लोगों की मास्टर का तन बदन पसीने से तर हो गया अब वह निकलकर कहा जा सकता है केवल मौत के मुंह में ही जा सकता है उसे लगा जैसे किसी बाजार में आग लगी है और जैसे उसके अपने कमरे की दीवार पर उस आग की अस्थिर सी नाचने लगी है हर बार कोई शोर सुनाई देता तो उसे लगता जैसे आवाज उसी के घर की ओर बढ़ती आ रही है रात भर और त्रास और त्रास और घृणा में भागते कदमों और चिंगारते दानों की आवाजें उसके कानों में पड़ती रहीं मास्टर ने रात बैठकर काटी उसे डर था कि अभी किसी को लड़ी का वार उसके दरवाजे पर पड़ेगा और उसका काम तमाम कर दिया जाएगा कल शाम उस पंजाबीन की बातों में आ गया मुना निकल जाता तो बच जाता आखिर किसी जंतु जैसी अंधारी रात का हाफना बंद हुआ और प्रभात का झुटपुटा खिड़की रोजदान में से झांकने लगा तब कहीं मास्टर को झपकी आई और बैठे बैठे ही बिस्तर पर लुढ़क गया पर कुछ ही देर बाद वह कर जागा नींद की झोंक में उसे लगा था जैसे मोहल्ले में कुछ लोग चलते हुए उसके घर के सामने से गुजरे हैं और एक ने कहा यहाँ रहता है एक मुसल्ला जवाब में किसी ने कहा नोट कर लो और फिर आगे बढ़कर दरवाजा तोड़ने लगा है मास्टर हड़बड़ा कर उठ बैठा सचमुच कोई दरवाजा पीट रहा था जागने पर पहले तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया उसने सोचा ग्वाला दूध लाया होगा पर वह तो कभी कभी सांकल खटखट आता है इस तरह किवाड़ तो नहीं पीटता तभी बाहर से आवाज आई ओ मास्टर ओ मास्टर दरवाजा खोल सरदारनी की आवाज से मास्टर इस वक्त इतनी यातना भूग चुका था कि उसका मस्तिष्क जड़ हो चुका था चेतना का कहीं कोई स्वर्ण शेष नहीं रह गया था यह आवाज दोस्त की भी हो सकती थी खून के प्यासे दुश्मन की भी खोल दरवाजा मास्टर निकल बाहर मास्टर ने अल्लाह का नाम लिया और दरवाजा खोल दिया सामने सचमुच सरदारनी पड़ोस खड़ी थी और उसके हाथ में चमचमाती कटार थी लंबे चमचमाते फल वाली कटार जिस पर से अभी अभी लाल खून नहीं चू रहा था मास्टर को काटो तो खून नहीं उसका चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर ठंडे पसीने की परत आ गई क्या हुक्म है बहन उसने धीमी सी आवाज में कहा निकल आओ बाहर मास्टर को यकीन नहीं हुआ कि यह वही औरत थी जो कल शाम हंस हंस कर बातें कर रही थी और अपने कमरे में आराम से पड़े रहने का आश्वासन दे रही थी जिंदगी में वही लोग सबसे ज्यादा धोखा दे जाते हैं जिन पर इंसान सबसे ज्यादा विश्वास करता है मास्टर ने अपने दो कपड़ों में ही नंगे पांव बाहर निकल आया चलो मेरे साथ मास्टर चुप रहा कहा चलूं इसके साथ शायद किसी दीवार के पीछे लोग दीवार के ओट में मुर्गी काटते हैं या बकरा जबह करते हैं वैसे ही चलो मेरे साथ उसने कहा और मुड़ पड़ी मास्टर डंगे पांव उसके पीछे हो लिया अनजाने में ही उसके हाथ पीठ पीछे बंध गए जैसे सूली पर चढ़ाए जाने वाले लोगों के बंध जाते हैं सरदार ने चौड़ी काट की थी उसकी सलवार के चौड़े चौड़े पैंचे जमीन पर सदा घिसटते रहते थे और इस समय भी घिसट रहे थे बालों की लटे कंधों पर झूल रही थी तीस और चालीस के बीच की रही होगी सरदार कुछ नहीं बताया कि वह कहा जा रही है मास्टर ने नहीं पूछा कि वह उसे कहां ले जा रही है नंगे पांव में उसके पीछे चलता जा रहा था ढीलम ढालम औरत सड़क के बीचों बीच चलते हुए मोहल्ले के बाहर पहुंच गई तभी सहसा सामने उसे गली के सिरे पर डोलते साई नजर आए कुछ आदमी मुश्के बांधे हाथों में बर्चे और लाठियां उठाए खड़े थे मेरा वक्त आ गया है मास्टर ने मन ही मन कहा और उसके मन में स्थिरता सी आ गई अब कुछ नहीं हो सकता मैं धोखा खा गया हूं अब कुछ नहीं हो सकता मुझे पनाह की जरूरत थी यह मुझे घर के बाहर घसीट लाई है अब कुछ नहीं हो सकता मास्टर के जहन में ये शब्द बार बार कॉन्द रहे थे और उसके शरीर में बहता खून पानी में बदल रहा था बार बार लरज जाते थे आदमियों की गांठ आगे को सरक आई थी मुश्कों के पीछे आंखों की जोड़ियां हाथों में बरसे उन्होंने मास्टर की दाढ़ी से ही अपना शिकार पहचान लिया था और आगे बढ़ाए थे सरदार ने खड़ी हो गई अपनी कटार अपने सामने करके ऊंची आवाज में बोली यह गुरु गोविंद सिंह की तलवार है तुम्हें जान प्यारी है तो सामने से हट जाओ सरदार ने लड़कार कर कहा था उसके पीठ पीछे खड़ा मास्टर पहले तो समझ ही नहीं पाया फिर तब सा खड़ा रह गया मुश्किल आदमियों का टोला चट्टान की तरह सामने खड़ा था मास्टर को माने मानो मालूम हुआ जैसे वह निर्णायक क्षण आ पहुंचा है वही निर्णायक क्षण जब जीवन की गति थम जाती है और सारा संसार चित्रवत नजर आता है शताब्दियों लंबा क्षण ऐसा क्षण जब सब कुछ सपने जैसा लगने लगता है पर यह सपना नहीं था जीवन का दारुण सत्य था सरदार है आदमियों के में से पीछे से पीछे आवाज आई यह मुसल्ला तेरा क्या लगता है इसे कहा ले जा रही है पर मास्टर ने देखा जैसे किसी दीवार में सहसा दरार पड़ जाए ऊपर से नीचे तक वैसे ही बर्छे भाले वालों की चटान बीच में से फट गई काले काले से जैसे दो टुकड़े हो गए और बीच में से रास्ता खुल गया दूसरे क्षण सरदारनी अपनी उस छोटी सी कटार को अपने सामने उठाए हुए पहले की तरह आगे बढ़ रही थी उसके बाद मास्टर को कुछ मालूम नहीं रहा कि वह कहा गए किस गली में घुसे किस किस रास्ते से आगे बढ़ने लगे उनकी टांगों में ताकत आ गई थी और सिर अपने आप झुक गया था और सरदारनी के पीछे वह चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था वे जिस गली में घुसे वह लंबी गली थी हवा में संशय था और दिन का उजाला न होकर प्रभात का झुटपुटा था पर मास्टर के सीने में उसका धड़कता दिल मानो बल्लियों उछल रहा था गली पार करके वे फिर सड़क पर आ गए थे और सड़क पर से फिर किसी गली में पहुंच गए थे गली कहीं टेढ़ी हो गई कहीं पर मुड़ गई थी अगर यह औरत मेरे सीने में अपनी कटार घूंपते तो मुझे मंजूर होगा मैं इसे एहसान मानकर कबूल कर लूंगा मास्टर मन मन कह रहा था मुसलमानों के मोहल्ले तक पहुंचना आसान नहीं था बीच में कितने ही और मोहल्ले पड़ते थे कितने ही गलियां कितने ही टेढ़े मेढ़े रास्ते और हर मुहाने पर सड़क के हर नाके पर बरछे भाले उठाए शिकारी रास्ता रोक लेते थे और एक नहीं तीन जगह पर सरदारी घिर गई थी एक घर पर से तो किसी ने पत्थर भी फेंका था कई बार मां बहन की गालियों और भयानक धमकियां भी सुनने को मिली थी पर गुरु महाराज की कटार जो वास्तव में लंबे फल वाले चाकू से ज्यादा नहीं थी वह सचमुच और सरदानी के हाथ में निहत्थों की रक्षा करने वाली निस्सहाय लोगों का त्राण अन्याय के विरुद्ध सहस्रों वर्षों भालों को काट गिराने की क्षमता रखने वाली कटार जैसे वह चलेगी तो उसमें से बिजली फूटेंगी और आतताइयों के हाथ से उनके बर्छे और भाले गिर पड़ेंगे देवियां और क्या होती होंगी मास्टर सोच रहा था यह गुरु महाराज की तलवार है किसी आत्ताई को नहीं छोड़ेगी हट जाओ सामने से जिसे जान प्यारी है मास्टर मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंच चुका था जब सरदानी का दमकता हुआ चेहरा मास्टर को देखने को मिला गंभीर कठोर जैसे चट्टान से तराशा गया हो जाओ मास्टर उसने कहा और उन्हीं कदमों अपने मोहल्ले की ओर लौट पड़ी फसाद की आग धू धू करके बहुत दिनों तक चलती रही बसा बसाया नगर मसान जैसा बन गया बुनकरों के करघे जल गए मंडी जल गई अनगिनत दुकानें लूटी गईं, आग के शोले आसमान को छूते थे कितने ही लोग मारे गए पर धीरे धीरे लोगों को होश आया दुस्वप्न टूटा कुछ जुनून उतरा पर अभी तक लोगों को मालूम नहीं हो पाया था कि यह क्यों हुआ और किसने करवाया तभी नेता लोग भी पहुंच गए बरसात के बाद जैसे कुकुरते उगाते हैं हर फसाद के बाद लीडर लोग पहुंच जाते हैं लीडर पहुंचे अखबार नवीस पहुंचे फोटोग्राफर पहुंचे तभी इंसानियत से प्रेम करने वाले कुछ लोगों को सरदारी की भी याद आई मास्टर करम भी अपने कुछ साथियों को लेकर साथियों को ही नहीं बहुत से बुजुर्गो अमन पसंद लोगों को लेकर अपने मोहल्ले में आया गली का मोड़ मुड़ने पर उसने देखा कि सरदारनी अपने घर के बाहर चूला जला रही थी सरदारनी ने बहुत से लोगों को आते देखा तो उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर में में हो गई। उसके समझ में नहीं आया कि कौन लोग हैं कहाँ से आए हैं क्यों आए हैं मास्टर करम दिन भीड़ में पीछे कहीं खड़ा था पर उम्र लोगों की मंडली उसके घर के सामने आकर रुक गई थी सरदारनी के कारनामे को सुनकर उसके सामने प्रशंसा के दो शब्द अपने हृदय के द्वार व्यक्त करने चले आए थे पर सरदारनी दरवाजे की ओर से बाहर नहीं आई वहीं खड़े खड़े बोली हमारे सरदार जी घर में नहीं है मिलना है तो हमारे सरदार जी से मिलो वह शाम को आएंगे काम पर गए हैं तो ये थी कहानी सरदारनी विष्णु साहनी के द्वारा और ये कहानी सच्ची घटना है और उसी के बेसिस पे उन्होंने ये स्टोरी लिखी थी ये कहानी लिखी थी ताकि लोगों को बताया जा सके कि जब दंगे फसाद होते हैं तो कितना नुकसान होता है कितने डर बैठते हैं दिल में और कितनी परेशानियाँ होती हैं लेकिन उस कहानी में उन्होंने डर से ज़्यादा जिक्र जो किया है जब कहानी के अंत तक आप पहुँचते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि कहाँ एक इंसानियत भी हमारे अंदर हमेशा जागती रहती है ज़रूरी नहीं है कि दंगे फसाद जब हों तो सिर्फ लड़ाइयाँ ही होती हैं और गलत बातें ही होती हैं हाँ इंसान मारे जाते हैं वो कभी भी कतई अच्छी बात नहीं है आप नहीं कह सकते कि ये सही है बट जब हम एक इंग्लिश में फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि दर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड एंड दर इज ऑलवेज अ रेनबो सो इफ यू वॉन्ट अ रेनबो यू नीड टू गो थ्रू द रेन तो थोड़ी बारिश हुएगी बारिश के बाद ही आपको इंद्रधनुष नज़र आता है तो ये इंद्रधनुष ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फैला हुआ है हमारे आसपास इससे पहले कि हम ये सोचें कि हाँ दुनिया बहुत ज़्यादा बुरी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई दबी पड़ी है और वो अच्छाई कई बार वक्त जब ज़रूरत पड़ती है तब लगती है सामने आती है और कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान हमारे काम का नहीं ये क्या करेगा तो कई बार वो चीज़ें हमारी झुटलाई जाती हैं और हमें पता चल जाता है कि ये सब क्या है और उसके साथ क्या चीज़ें जो हैं जिंदगी हमारी बदल सकती हैं तो Uh, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो मैं यहाँ पे और पाँच मिनट मैं रुक सकती हूँ आपको जब आप सकती हूँ आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप मुझे चैट में लिख सकते हैं uh, मैं कुछ कमेंट्स यहाँ देख रही हूँ और थैंक uh, यू uh, अपूर्वा अनीता जी ममता Uh, आप सबको अच्छी लगी मेरी रीडिंग आई एम वेरी ग्लैड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत वक्त के बाद मैं कुछ हिंदी का पढ़ पा रही हूँ और एक जो अच्छी बात हुई इस दौरान लॉकडाउन का एक फ़ायदा जो है सबसे बड़ा वो ये हुआ है कि जब भी थोड़ा सा वक्त मिलता है थोड़ा नुकसान तो है काम ज़्यादा हो गया है घर पे डबल करना पड़ता है बट एक अच्छी बात जो हुई है वो ये है कि जब कभी बीच में वक्त मिल पाता है तो कुछ रीडिंग्स ज़रूर होती हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी एक इनिशिएटिव है प्रीति शारदा जी ने जो स्टार्ट की है एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरियंस आई नो इन माय लाइफ सो फार तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा उन्होंने एक ये इनिशिएटिव लिया है और जितना भी आप इसको बढ़ चढ़ के कहानियाँ शेयर कर सकते हैं दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म और बहुत अच्छे से आप uh, लोगों के साथ कनेक्ट भी कर पाते हैं और इसी बहाने अच्छी कहानियाँ भी पढ़ लेते हैं क्योंकि अगर आपने रेड करनी है तो यूल रीड चार पांच कहानियाँ पढ़ेंगे जैसे मैंने दस बारह पढ़ ली लिया मेरे को पढ़ने का शौक तो है या मुझे बढ़ाना चाहिए था बट फिर मुझे लगा कि कहानी कुछ ऐसी शेयर की जाए जो आजकल के माहौल के साथ कुछ कनेक्ट भी हो क्योंकि बहुत बार हम लोग को जब हम न्यूज़ सुनते हैं आज के टाइम में जो न्यूज़ सुन रहे हैं उसमें बहुत ही नेगेटिव कॉमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं हमें कि ये सब कुछ हो रहा है मारामारी चल रही है दंगे चल रहे हैं और नफ़रत को फोकस किया जाता है क्योंकि नफ़रत बिकती है प्यार जो है उस पर फोकस नहीं किया जाता ना इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि कैसे लोगों ने एक दूसरे की मदद की है उसके ऊपर फोकस बहुत कम रहा रहता है क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स नहीं है और जहाँ पॉलिटिक्स नहीं है वहाँ बेनिफिट्स नहीं है फ़ायदे नहीं हैं तो कई बार फायदे के लिए जो आजकल का मीडिया है आजकल के लीडर्स हैं वो किस तरह से उस चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं किस तरह से हमारे सामने लेते हैं तो हमें उसको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना चाहिए इसी कारण मुझे लगा कि ये कहानी इस वक्त के लिए बहुत ही ज़्यादा सटीक है इस वक्त के लिए बहुत अच्छी रहेगी ताकि हमें हमेशा याद रहे कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास सरदारी जैसे लोग भी हैं हमारी मदद करने के लिए जो हमने शायद कभी उम्मीद ना की और जो सब देखने में बड़े सिंपल से लगते हैं कि ये क्या कर मदद कर पाएंगे पर कहीं ना कहीं से वो आ जाते हैं हमारी लाइफ में बदलने के लिए अब अगर आप अगर सोचें अगर कोई ऐसे आपकी मदद करता है मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूल पाएंगे ऐसे इंसिडेंट को अपनी लाइफ में चाहे वो छोटी सी मदद हो दो चीज़ें हमें ज़िंदगी में हमेशा याद रहती हैं जब कोई हमें कहता है कि आपने बहुत अच्छा कुछ किया इसलिए कॉम्प्लीमेंट देते रहिए लोगों को अच्छा कहते रहिए क्योंकि नेगेटिव फैलाना किसी को ये कहना कि ये इस तरह से नहीं तुम कर पाओगे तुम्हारे से होगा नहीं वो बहुत आसान है लेकिन अगर आप कई बार किसी को उम्मीद देते हैं थोड़ी सी तो वो बहुत आगे भी जा सकता है इंसान और अगर आप ये किसी को बोल देते हैं कि हाँ बहुत प्यार से ज़िंदगी अच्छी चल सकती है लाइफ में बहुत चीज़ें हैं अगर आपने डिवीजन्स करनी है तोड़ना है एक दूसरे के साथ रिश्तों को तो वो बहुत आसान है कुछ ना कुछ बहाना ढूंढना बहुत आसान है धर्म के नाम पे लड़ा जा सकता है सबसे ज़्यादा इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ जब मैं रही हूँ तब भी मैंने देखी है और बहुत आसान है यहाँ पे रंग के नाम पे जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं कि काला जो है वो ज़्यादा इम्पॉटेंट नहीं है गोरा इंसान ज़्यादा इम्पॉटेंट है हम लोग वहाँ पे धर्म को लेकर के लड़ाई कर लेते हैं पर मुझे ये लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम बहुत उससे पहले हम इंसान हैं जब हम पैदा हुए तब हम हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई नहीं थे जब हम पैदा हुए थे तब हम इंसान के तौर पर पैदा हुए थे तो लेबल लगा दिया जाता है एक स्टैंप लगा दी जाती है वो स्टैंप इम्पॉर्टेंट नहीं है उस स्टैंप के पीछे क्या है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए ये कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसको सुनने के लिए जो लोग लाइव सुनने आए उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू और जो बाद में सुनेंगे उनके लिए भी थैंक्स इन एडवांस क्योंकि वक्त निकालेंगे और आप सुनेंगे और प्रीति शारदा आपका बहुत बहुत स्पेशल थैंक यू मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मुझे हिंदी कहानी पढ़ने का एक मौका मिला और लोगों से शेयर करने का मौका मिला थैंक यू एवरी वन डे